ओके okay. तो सबसे पहले बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है हमारे पास यहाँ पर कि हमारा जो टेस्ट होने वाला है 8th of January, इस संडे हमारा टेस्ट होने वाला है, ठीक है, जिसमें पीसीबी वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या आने वाला है। फिजिक्स में आएगा थर्मल प्रॉपर्टीज, इक्विलिब्रियम केमिस्ट्री में, और आपका बायोलॉजी से आएगा सेल साइकिल एंड सेल डिविजन, कौन सा, चैप्टर 10, ठीक है। ओके okay? ओके मैम, ठीक है, तो सब लोग टेस्ट देंगे, कोई भी टेस्ट मिस नहीं करेगा, ठीक है। चलो आज की मैम एक बार फिर से दिखा दीजिए, वो स्क्रीनशॉट लेना था। अच्छा एक सेकेंड। यस मैम, डन। ठीक है जान, चलो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो हमने कंप्लीट कर लिया था, पर आज हम, हाँ, संडे को होने वाला है नूरू 8th of January को, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम गैसेस को ट्रांसपोर्ट। हमारे पास है ऑक्सीजन और कौन सी गैस है हमारे पास, CO2। अब ये दोनों गैस कहाँ जा रही है, एल्वियोलाई से टिश्यू में, टिश्यू से एल्वियोलाई में, फिर ब्लड में, तो ये ट्रांसपोर्ट हो कैसे रहा है, एक्चुअली ये जा कैसे रही है, उसके मैकेनिज्म को पढ़ने के लिए हम क्या पढ़ने वाले हैं, गैसेस का ट्रांसपोर्ट। CO2 और O2 मूव होते हैं तो उनको कैरी कौन करके ले जाता है या वो किस स्टेट में जाते हैं, है ना, ठीक है। यस मैम, हम क्या क्या पढ़ेंगे, O2 और CO2 का ट्रांसपोर्ट। तो पहले हमारे पास क्या है, दो गैसेस है O2 और CO2। तो O2 को हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, इनहेल करके लंग्स के पास ट्रांसपोर्ट करते हैं, और लंग्स फाइनली किसको डिलीवर कर देगा, टिश्यू को कर देगा। पर अभी ये जो काम हो रहा है वो ट्रांसपोर्ट एग्जैक्टली हो कैसे रहा है, ऐसा हो रहा है कि कुछ ऑक्सीजन का अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, ब्लड में डिजोल्व हो जाएगा। ये कौन सा स्टेट है हमारे पास, डिजोल्व वाला, कि कुछ ऑक्सीजन आई ब्लड में डिजोल्व हुई वैसे हो गई। बाकी कुछ ऑक्सीजन ने क्या करा कि उन्होंने हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर लिया। हीमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट होता है मैम, ब्लड में, रेड ब्लड सेल। यस करेक्ट, कहाँ प्रेजेंट होता है ये, आरबीसी में। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स होता है, उसके पास एक आयरन कंटेनिंग कंपाउंड होता है, दैट इज हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सीजन क्या करता है, हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है और ब्लड के थ्रू चले जाता है, फिर ये ब्लड के थ्रू जाएगा, फिर ये जाएगा फाइनली टिश्यू के पास। तो ये टिश्यू के पास जाके क्या कर देगा, हीमोग्लोबिन इस O2 को क्या कर देगा, छोड़ देगा, और वापस कहां पर आ जाएगा ये हीमोग्लोबिन, वापस लंग्स के पास। तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन कैसे एक्ट कर रहा है, एक व्हीकल के जैसे, एक गाड़ी है जो ट्रांसपोर्ट कर रही है हीमोग्लोबिन आया। जैसे आपको जाना है दिल्ली से बैंगलोर, ठीक है, तो आपने क्या लिया, फ्लाइट लिया, फ्लाइट के थ्रू चले गए, ठीक है, और आप कहाँ चले गए, दिल्ली से बैंगलोर। सिमिलरली आप यहाँ पे समझो कि जो आप हो वो ऑक्सीजन हो, और जहाँ पे जो आपका प्लेन है, आप बाय फ्लाइट जा रहे हो, तो जो आपका प्लेन है वो क्या है, आपका हीमोग्लोबिन। तो आप किस में बैठ के गए, वेहीकल में बैठ के गए, तो वेहीकल जो होगा वो क्या करता है, कैरी करने का काम। तो यहाँ पर जो हीमोग्लोबिन है वो क्या है, वेहीकल, जो O2 को क्या करेगा, डिलीवर करवाएगा, ठीक है। यस मैम, आता है हमारे पास CO2। अब CO2 कैसे ट्रांसपोर्ट होता है कि टिश्यूज क्या करते हैं, रेस्पिरेशन में CO2 को एक्यूमुलेट करते, रिलीज करते, तो इसको हम फाइनली क्या कर देंगे, एक्सहेल कर देंगे। तो एक्सहेल करने के लिए इनको, इसको हमको कहाँ भेजना पड़ेगा, बाहर भेजना पड़ेगा। तो बाहर भेजने के लिए लंग्स के पास जाएगी CO2, CO2 फाइनली एटमोसफियर में चले जाएगी, ठीक है। अब जस्ट सेकेंड, मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया ना, ओके ओके ठीक है। तो अब ये जो CO2 जा रही है ये तीन तरीके से जाती है, एक तो हमारा हो जाएगा डिजोल्व वाला, ठीक है, ऑक्सीजन, और जो हमारा कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो क्या हो जाएगा, ब्लड में डिजोल्व होके चले जाएगा। तो ये बनाता है कार्बोनिक एसिड और डिजोल्व हो जाता है। अभी हम ये जो चार आपको पांच स्टेप्स दिख रहे हैं ना, इन पांचों को पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आपको एक चार्ट दिखा रहा हूँ कि O2 कैसे जाएगा और CO2 कैसे जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, दैट मीन्स जब हीमोग्लोबिन किससे बाइंड होता है, CO2 से, ठीक है। तो CO2 ने हीमोग्लोबिन को क्या कर लिया, बाइंड कर लिया, और क्या कर दिया, इसका ट्रांसपोर्ट। तो जब इन हीमोग्लोबिन और CO2 कंबाइन हो जाएगा तो एक कंपाउंड फॉर्म होता है, दैट इज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। लास्ट, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होते हैं, करेक्ट। देखो ऑक्सीजन क्या होगा कि लंग्स के पास क्या करेगा, हीमोग्लोबिन जो था लंग्स से इसने क्या लिया, O2 को लिया,
ठीक है, यहाँ से ये O2 को लेके गया और O2 को यहाँ छोड़ दिया, ठीक है, यहाँ पर हीमोग्लोबिन आ गया। अब टिश्यू के पास क्या था? CO2 था, ठीक है, तो हीमोग्लोबिन ने यहाँ O2 को तो छोड़ दिया और फिर क्या हो गया, खाली हो गया, तो ये CO2 कहाँ चले गया, इस हीमोग्लोबिन से, तो ये हीमोग्लोबिन से बाइंड करके कहाँ चले जाएगा, वापस लंग्स के पास। मतलब जो गाड़ी है, जो हमारा व्हीकल है, वो खाली नहीं आ रहा है, जब जा रहा है तब भी वो किसी ने किसी को लेके जा रहा है, और जब आ रहा है तो आते टाइम भी किसी को लेके आ रहा है, तो जब जा रहा है तो उसने ऑक्सीजन को लेके वहां छोड़ दिया, फिर आते टाइम क्या करा, उसने बोला कार्बन डाइऑक्साइड को कि आप आ जाओ मेरे पास बैठ जाओ और मैं आपको लेके चलता हूँ और बाहर छोड़ देता हूँ, ठीक है। यस मैम। नेक्स्ट हमारे पास आता है लास्ट, बाइकार्बोनेट्स। बाइकार्बोनेट्स क्या होते हैं? HCO3 आयंस होते हैं। इस आयंस का फॉर्मेशन होता है और इसके थ्रू क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है, ठीक है। अब वन बाय वन हम क्या करते हैं कि सारे जो स्टेप्स हमने पढ़े अब उसको डिटेल में पढ़ लेते हैं, ठीक है। ओके मैम। अब देखो ब्लड के कितने बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स, जैसे RBC होता है, WBC होता है, प्लेटलेट्स होता है, और क्या होता है, प्लाज्मा, जो लिक्विड होता है ब्लड में, दैट इज प्लाज्मा, जिसमें कोई भी सेल प्रेजेंट नहीं होता है, इसमें प्लाज्मा। तो प्लाज्मा में क्या है, ऑक्सीजन आके क्या हो गई, डिजोल्व हो गई, और डिजोल्व होके ये ब्लड क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। तो जो हमारा 3% ऑक्सीजन है वो कैसे डिलीवर होगा, इन द डिजोल्व स्टेट। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑक्सीहीमोग्लोबिन। मैंने क्या बोला कि एक व्हीकल आएगा, और व्हीकल क्या है हमारे पास यहाँ पर, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या बोलेगा ऑक्सीजन को, आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, तो ये ऑक्सीजन को लेके जाएगा और किसको डिलीवर कर देगा, ये टिश्यू को, है ना। तो 97% हमारी जो ऑक्सीजन है वो कैसे डिलीवर होगी, बाय ऑक्सीहीमोग्लोबिन। तो ऑक्सीजन टोटल कितनी थी हमारे पास, 100% थी, 100% थी, 100 में से 3% कैसे गई, प्लाज्मा के साथ डिसॉल्व होके, और 97% कौन ले गया, हीमोग्लोबिन कैरी कर गया, ठीक है। हीमोग्लोबिन क्या है, आयरन कंटेनिंग कंपाउंड, मतलब इसमें एक आयरन आयरन कंटेनिंग कंपाउंड है जो क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करके डिलीवर करता है। तो देखो फिगर में, ये हमारा रेड ब्लड सेल्स है, रेड ब्लड सेल्स के पास क्या हुई, जो हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स है, इस हीमोग्लोबिन ने क्या कर लिया, इस ऑक्सीजन को ले लिया, फिर ये क्या बना दिया हमारा, ऑक्सीहीमोग्लोबिन। ये क्या बना है हमारा, ऑक्सीहीमोग्लोबिन। ऑक्सीहीमोग्लोबिन कहाँ गया, टिश्यू के पास गया और इसने ऑक्सीजन को रिलीज कर दिया, और यहाँ पर हीमोग्लोबिन एज इट इज बच गया। ये हो गया हमारा हीमोग्लोबिन, ये हो गया O2, है ना, ठीक है, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीजन से बाइंड होके हीमोग्लोबिन बनता है वो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि जो रिएक्शन फॉरवर्ड भी जाए और बैकवर्ड भी जाए। अगर ये यहाँ पर HbO2 बना रहे हैं, ठीक है, तो HbO2 बना रहे हैं, तो ये कहाँ जाएगा हमारा, ये कहाँ होगा, लंग्स में, लंग्स में ये कंबाइन हुई, ठीक है, फिर ये फाइनली जाके ऐसा लंग्स में ये सब बन गया, फिर ये कहाँ जाएगा, टिश्यू के पास। तो टिश्यू के पास क्या हुआ, ये ऑक्सीजन डिसोशिएट हो जाएगी, ठीक है। ओके मैम। सभी को क्लियर है इतनी बात? यस मैम। कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को भी? नो मैम। ठीक है, अब ये जो हीमोग्लोबिन होती है उसकी 4 यूनिट्स होती है, ठीक है। देखो एक हीमोग्लोबिन की कितनी यूनिट होती है, 4 यूनिट, या हम ऐसा बोलते हैं कि उनके 4 पार्ट होते हैं, ठीक है। ये है हमारा एक हीमोग्लोबिन, इतनी बात क्लियर है? यस मैम। अब ये क्या करता है कि एक हीमोग्लोबिन कितनी ऑक्सीजन को कैरी कर लेगा, तो एक पार्ट पे एक ऑक्सीजन अटैच हो जाएगी, दूसरे पे दूसरी ऑक्सीजन अटैच हो जाएगी, तीसरे पे तीसरी ऑक्सीजन अटैच हो जाएगी, और चौथे पे चौथी ऑक्सीजन अटैच हो गई। तो एक HB ने कितने O2 को कैप्चर किया, 4 O2, है ना, क्लियर। तो एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल क्या कर लेगा, 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के ले जाएगा, ठीक है। मतलब एक प्लेन में कितनी सवारी बैठ रही है यहाँ पर, 4, ठीक है। तो देखो क्या होता है कि HB4 दैट इज हीमोग्लोबिन और O2 जुड़ते हैं, तो फाइनली एक कंपाउंड बनता है दैट इज HbO
HB4OH और इसका नाम क्या है, ऑक्सीहीमोग्लोबिन। ठीक है। ओके मैम। अब ये जो बाइंडिंग हो रहा है इसको क्या कर रहा है, जो हमारा लिपिड जुड़ रहा है उसको कोई ना कोई क्या फैक्टर्स रेगुलेट कर रहे थे। हमने कुछ फैक्टर्स पढ़े थे कल, कौन कौन से फैक्टर्स पढ़े थे मैम? कंसेंट्रेशन, कंसेंट्रेशन या प्रेशर, सॉलिडिटी, एरिया, सरफेस, और एक और तीन हुए ना, सॉल्युबिलिटी हुआ, प्रेशर ग्रेडिएंट हुआ, सरफेस एरिया हुआ, एक और क्या था, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। यस मैम, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन है ना। तो ये देखो जो O2 का एक्सचेंज था उसको अफेक्ट कर रहे हैं, तो ये जो हमारा बाइंडिंग हो रहा है ट्रांसपोर्ट इसको भी फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। कैसे, अगर PCO2 ज्यादा होगा, H+ ज्यादा होगा और टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, तो ये क्या करेंगे, इस प्रोसेस को फेवर नहीं करेंगे। ठीक है, अगर PO2 ज्यादा होगा तो ये इसको फेवर करेगा, बाकी के ये जो तीन फैक्टर्स है अगर इनमें इंक्रीज होगा तो ये इनको फेवर नहीं करेगा, मतलब इसका जो बाइंडिंग है वो कम हो जाएगा। ठीक है, अगर PO2 हम बढ़ा देंगे तो क्या होगा, बाइंडिंग ज्यादा हो जाएगा। ठीक है मैम, एक बार रिपीट करना। देखो हमने कुछ फैक्टर्स पढ़े थे, प्रेशर का है ना, प्रेशर का पढ़ा था, H+ कंसेंट्रेशन का पढ़ा था और थिकनेस पढ़ा था। ऐसे ही ये जो बाइंडिंग होती है, दैट मीन्स O2 हीमोग्लोबिन से जो अटैच हो रहा है वो किसी न किसी फैक्टर पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो इसके लिए फेवरेबल कंडीशन क्या होनी चाहिए कि PO2 ज्यादा होना चाहिए, PCO2 कम होना चाहिए, H+ भी कम होना चाहिए और टेम्परेचर भी कम होना चाहिए। अगर ये कंडीशन रही तो ये क्या करेंगे, इसको फेवर करेंगे सारे। ठीक है, ओके मैम। मतलब ऑक्सीजन कम होनी चाहिए, ऑक्सीजन ज्यादा होनी चाहिए, ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो ज्यादा होना चाहिए। यहाँ पर P क्या है हमारा, पार्शियल प्रेशर, हमने कल बात करी थी ना पार्शियल प्रेशर की। वही डिनोट कर रहा है कि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड का कम होना चाहिए, एच प्लस आयंस कम होना चाहिए, टेम्परेचर कम होना चाहिए। अगर ये सारी कंडीशन है तो क्या होगा कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से इजीली बाइंड कर जाएगा। ठीक है, ओके मैम। ठीक है, तो अगर हम 100 ml ब्लड का लेते हैं, अगर हमारे पास 100 ml ब्लड है तो वो कितनी ऑक्सीजन डिलीवर करता है, वो करता है 5 ml ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अगर नॉर्मल आप रेस्पिरेशन कर रहे हो, एकदम नॉर्मल चल रही है आपकी बॉडी, नॉर्मल फंक्शन कर रही है, तो उस केस में 100 ml क्या करेगा, 5 O2 क्या कर देगा, डिलीवर कर देगा। फाइनली डिलीवर हमको किसको करवाना है, टिश्यू को। ठीक है मैम, देन 95 कहां जाएगा, 95 कौन सा 95, 95% ब्लड जो कि आपका 100 ml है उसमें पूरा 100% O2 भरा हुआ है। जो अगर आप 100 ml ब्लड लोगे ना उसमें सिर्फ 5 ml O2 को वो स्टोर कर पाएगा, मतलब 5 ml O2 को, 5 ml O2 को ही ले पाएगा और नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट कर देंगे। अगर आप 100 से 200 ml बनाओगे तो 200 ml कितना करना चाहिए, ऑक्सीजन को कितनी ऑक्सीजन डिलीवर करेगा, 10 ml। तो ये मतलब प्री डिफाइंड है, बॉडी के अंदर इतना ही होता है, 100 ml ब्लड 100 ml ऑक्सीजन डिलीवर करेगा, कितनी जल्दी बाइंड हो रही है उसमें से 5 ml हम बाइंड हुई से ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ओके मैम। तो हमने करी एंटीबॉडी, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, इशू आ रहा है क्या सभी को? यस मैम, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। मैम आपकी वॉइस लाउड हो रही है ज्यादा, ये लाइक 2 or 3 times हो रही है। अच्छा ठीक है, एक सेकेंड मैं अपना नेटवर्क स्विच करती हूँ ना, एक सेकेंड अपना गाइस। हाँ मैम, नाउ इट इज क्लियर, अभी क्लियर है? यस मैम। ठीक है चलो पढ़ते हैं फिर, है ना। चलो हम क्या बात रिपीट करना,
हाँ मेरी पीटी करी, हम किसकी बात कर रहे थे, एल्वियोलाई की। तो एल्वियोलाई कहाँ होते हैं, हमारे लंग्स में, ठीक है, और हमारे पास होते हैं टिश्यूज, ठीक है। अब टिश्यू और एल्वियोलाई में कंडीशंस क्या क्या होती है, तो मैंने आपको क्या बताया, एल्वियोलाई के पास क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है वो बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि अगर हम इंस्पिरेशन करते जा रहे हैं तो O2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जाएगा, इसलिए यहाँ पर O2 भी क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना? Yes, ma'am. ठीक है, अब PO2 ज्यादा होगा तो यहाँ पर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा या ज्यादा होगा? मैम कम होगा, कम होगा, तो इसलिए इसका पार्शियल प्रेशर भी कम होगा। यस मैम। यहाँ पर जो H+ आयन्स होते हैं वो भी कम होते हैं, ठीक है, और टेम्परेचर जो होता है एल्वियोलाई में वो भी कम होता है। तो अभी मैंने आपको ये चारों फैक्टर्स बताए थे, तो ये चारों फैक्टर्स मिलके फेवर क्या करते हैं मैम, हीमोग्लोबिन बाइंडिंग को, या हीमोग्लोबिन बाइंडिंग विद ऑक्सीजन, या फेवर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन। सब लोग अग्री करते हैं, ये पॉइंट समझ में आया, मतलब यहाँ पर Hb+O2 होगा। यस मैम। अब टिश्यू की बात करते हैं, तो टिश्यू में क्या होता है, कंटिन्यूअसली एटीपी का सिंथेसिस होता है, तो जो रेस्पिरेशन वाला स्टेज होता है, मतलब जो फूड का ब्रेकडाउन होता है, तो वहां पर CO2 कंटिन्यूअसली रिलीज होते जाती है। तो अगर कंटिन्यूअसली CO2 रिलीज होगी तो उसका प्रेशर ज्यादा होगा या कम होगा? मैम हाई होगा, ज्यादा होगा, ज्यादा होगा ना। ऑक्सीजन का कम होगा या ज्यादा होगा? मैम कम होगा, कम होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर जो H+ कंसेंट्रेशन है वो यहाँ पर ज्यादा होती है, और टेम्परेचर होता है वो भी ज्यादा होता है। तो ये सारे फैक्टर्स फेवर करेंगे या नहीं फेवर करेंगे ऑक्सीजन फॉर्मेशन? नहीं करेंगे, डू नॉट फेवर Hb+O2, ठीक है। मैम हाइड्रोजन प्लस आयन को कैसे डिसाइड करते हैं हम? देखो जो रेस्पिरेशन और बहुत सारी प्रोसेस अंदर होती है ना, हमारा जो रेस्पिरेशन होता है जिसमें फूड आता है और फूड के साथ ऑक्सीजन कंबाइन होती है, तो जब ये प्रोसेस होता है तो यहाँ पर H+ आयन्स भी रिलीज होते हैं। तो ये जो H+ आयन्स अगर यहाँ पर कंटिन्यूसली रिलीज हो गए तो इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा यहाँ पर, ठीक है। कंफ्यूजन है? No, ma'am. तभी क्लियर हो गया ना आपका डाउट कि H+ आयन ज्यादा क्यों होते हैं, क्योंकि सेल के अंदर बहुत सारी रिएक्शंस होती जाती है, तो कुछ रिएक्शंस में अगर ये कंटिन्यूअसली होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, H+ आयन रिलीज होते हैं। तो अगर वो कंटिन्यूअसली रिलीज होते रहेंगे तो वहां पर उनकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा ही होगी ना, ऑब्वियसली। यस मैम। ओके, सबको क्लियर है? यस मैम। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कर्व पढ़ने वाले हैं, दैट इज ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। सब लोग ध्यान से सुनना, तो ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व क्या बता है, कि जो O2 बाइंड हो रही है किसके साथ बाइंड हो रही है, हीमोग्लोबिन, ठीक है, तो वो कितनी बाइंड हो रही है, कितने प्रेशर पे, मतलब आप कितना प्रेशर लगाओगे कितना Hb से वो बाइंड होगी या सैचुरेट होगी। सैचुरेट वर्ड का मतलब पता है क्या आपको मैम? एक लिमिट के बाद वो अलग हो जाएगा। हाँ करेक्ट, क्या होता है कि एक लिमिट के बाद वो खत्म हो जाएगा। अगर आप जैसे हीमोग्लोबिन है तो उसने क्या करा कि ऑक्सीजन लेते जा रहा है, लेते जा रहा है, लेते जा रहा, पर एक पॉइंट ऐसा आता है कि उसकी जितनी भी साइट्स थी, जितने भी हीमोग्लोबिन पड़े थे, सबके पास ऑक्सीजन आ गई। तो अगर आप फर्दर ऑक्सीजन वहां पे और देते हो तो क्या ऑक्सीजन बाइंड हो पाएगी क्या, अगर सारी हीमोग्लोबिन ऑक्यूपाइड है तो? नो मैम, हो पाएगी ना। तो वो जो हमारा मतलब स्टेज आता है वो होता है सैचुरेशन का, कि फर्दर आप ऑक्सीजन दोगे तो ये क्या होगा, सैचुरेट हो जाएगा, उसकी वजह से वो बाइंड नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक साइड यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, कि हम O2 का प्रेशर जब बढ़ा रहे हैं तो ये सैचुरेशन इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, या क्या हो रहा है, ठीक है, पर सैचुरेशन विद हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो क्या होता है कि इनिशियली जब हम ऑक्सीजन का प्रेशर बढ़ाते हैं
तो कुछ पॉइंट पे क्या होता है, ये बढ़ते जाता है बढ़ते जाता है बढ़ते जाता है और फिर क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट। तो ये कुछ ऐसा कर्व बनाता है। अगर इस शेप का हमारा ग्राफ बनता है तो हमेशा इसको हमने क्या पढ़ाया फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, कहीं तो सुना होगा सिग्मोइड का। यस मैम, सुना है। सिग्मोइड कर्व किसको बोलते हैं, जब हमारा इस शेप का ग्राफ बन जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिग्मोइड, है ना। तो हमारा जो ऑक्सीजन का प्रेशर और हीमोग्लोबिन का सेचुरेशन का कर्व है वो कुछ ऐसे ही बनता है। ठीक है, देखो ये कर्व है हमारे यहाँ पर, सबको दिख रहा है ग्राफ। यस मैम, यस मैम। तो एक साइड हमारा क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, दैट मीन्स यहाँ पर क्या है हमारे पास, PO2। ठीक है, ठीक है गाइस। ओके मैम। और एक साइड क्या है हमारा, परसेंट सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, मतलब कितना हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड कर रहा है। तो देखो इनिशियली तो क्या हो रहा था कि धीरे 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 बढ़ता गया, बढ़ता करता बढ़ता गया, फिर एक पॉइंट आया कि जो हमारा हीमोग्लोबिन था वो सारा ऑक्यूपाइड हो गया। अब फर्दर अगर आप ऑक्सीजन प्रोवाइड करोगे तो ये यहाँ पर बाइंड नहीं होगा। ठीक है, कार्बन को ना कुछ फैक्टर्स यहाँ पर क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। अगर आप PCO2 बढ़ा दोगे तो ऑक्सीजन की बाइंडिंग और हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग में कुछ फर्क पड़ेगा, इसमें मोर टू कम हो जाएगा। दैट मींस ये कर्व अगर आपने PCO2 बनाया तो ये क्या हो जाएगी, थोड़ी नीचे हो जाएगी, राइट शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, कर्व शिफ्ट्स राइट। ओके, अब ये बताओ अगर मैंने H प्लस बढ़ाया तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाऊंगी तो क्या होना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया था ना कि इसमें वो फेवर करेंगे या नहीं करेंगे, जल्दी बताओ। H कंसेंट्रेशन हम इंक्रीज करेंगे तो ये क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, कम होना चाहिए ना। तो कर्व फिर क्या होगी, फिर नीचे आ जाएगी, आपने H प्लस बढ़ा दिया तो सेम यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्व कहाँ शिफ्ट करेगी, राइट। अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करती हूँ तो फिर क्या होगा मैम, वो और नीचे आ जाएगा कर्व, और नीचे आएगा तो फिर वो शिफ्ट राइट होगा। तो ये सारे फैक्टर्स है, क्या बता रहे हैं कि इन सारे फैक्टर्स से क्या होता है कि हमारा हीमोग्लोबिन का जो बाइंडिंग ऑक्सीजन से वो कम होता है। अब मुझे ये बताओ ये सारी कंडीशंस कहाँ मिलेगी, लंग्स में या टिश्यू में, मैम टिश्यू में मिलेगी, टिश्यू में, टिश्यू में मिलेगी। और डिसोसिएशन वर्ड का मतलब क्या होता है, टूटना या ब्रेकना। तो जो आपका हेमोग्लोबिन और O2 बाइंड होके आया था वो टिश्यू के पास आया, उसके पास ये कंडीशंस आ गई, तो ये कर्व क्या हो जाएगी, नीचे शिफ्ट हो जाएगी और ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिलीवर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? यस मैम। किसी को कुछ कंफ्यूजन तो नहीं? नो मैम। सभी को क्लियर है ना मैम? ये टर्म लगने के बाद वो मतलब ऑक्सीजन कैसे आएगी फिर? सॉरी मेरे को आपको क्वेश्चन समझने हैं, फिर से रिपीट करो। Please repeat your question. Am I audible? Can anyone tell me? मेरी आवाज आ रही है सबको? Yes, yes, ma'am. अच्छा, किसी का question था, पूछना चाहते हो? No, ma'am. अच्छा ठीक है, confusion है तो प्लीज बता देना, है ना। हम जब लास्ट में अगर रिवाइज करने का हमारे पास टाइम बचा तो मुझे फिर बता देना। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं CO2 का ट्रांसपोर्ट, कि जो हमारा CO2 है वो कैसे मूव कर रहा है। अभी हमने जो ऑक्सीजन पढ़ा लिया तो वो डिसॉल्व होके जा सकता है या हीमोग्लोबिन से बाइंड होके जा सकता है, वो दो पढ़े। बट जो हमारा CO2 वो क्या होगा, तीन तरीके से होगा। ठीक है, ठीक है, यस मैम। ठीक है, पहला हमारे पास आता है कार्बोनिक एसिड, दैट इज H2CO3। CO2 क्या होता है, H plus times, फिर से वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या गाइस? मैम वॉइस नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, तो हमने अपना चेंज कर लिया, एक सेकंड ना।
ठीक है, क्लियर आ रही है वॉइस? मैम थोड़ा थोड़ा क्लियर। अभी भी नहीं बोल रही क्या? यस मैम। अच्छा मैं बोलती हूँ, ज्यादा मेरे को तो बताना, मैं मैसेज करूंगी, ठीक है? ओके गाइस, ओके मैम। ठीक है। तो यहाँ हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो तीन तरीके से होता है। तो पहला हमारे पास आता है कार्बोनिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है H2CO3, और वो क्या करेगा, ब्लड के प्लाज्मा में क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा और ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आएगा हमारे पास कार्बमिनो हीमोग्लोबिन। तो फिर से क्या है, हमारा हीमोग्लोबिन आया और इस बार उसने क्या करा, CO2 की जगह, सॉरी O2 की जगह CO2 को यूज करा, और यहाँ पर ये क्या बॉइलिंग बनाएगा, करी। कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। इससे जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, ठीक है। इतनी बार लास्ट हमारे पास आता है बाई कार्बोनेट आयन, मतलब CO2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इस HCO3 आयन में, और ऐसे ही ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब वन बाय वन डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है? सॉरी मैम, वो बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था मैम। कुछ समझाया था आपने? नहीं, मैं अभी जो बताया था मैं वो फिर से पूरा डिस्कस करेंगे हम वन बाय वन, ठीक है? तो पहला रहता है हमारा CO2 का जो ट्रांसपोर्ट है एस कार्बोनिक एसिड। तो आपके पास CO2 प्रेजेंट है, ठीक है, कहाँ पे प्रेजेंट है, टिश्यू में। टिश्यू में जो रेस्पिरेशन हुआ जिसकी वजह से CO2 इवॉल्व हुआ। अब ये CO2 कहाँ गया, ब्लड के प्लस, और ब्लड के पास क्या आ गया, ये प्लाज्मा में। तो प्लाज्मा ने क्या बोला कि मेरे पास H2O है, वाटर मॉलिक्यूल है। टिश्यू ने अपना CO2 दिया, प्लाज्मा ने अपना H2O दिया, तो इन दोनों ने मिलके एक कंपाउंड बनाया दैट इज H2CO3, और इसी का नाम क्या है, कार्बोनिक एसिड। ठीक है, तो ये जो कार्बोनिक एसिड डिसॉल्व हो गया और ये क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पर हमारा कितना हो रहा है, 7% CO2 डिसॉल्व स्टेट में। ऑक्सीजन कितना गया था डिसॉल्व स्टेट में, 5 ml। नहीं वो तो 100 ml में से 5 ml गया था, कितना परसेंट डिसॉल्व स्टेट में गया था, 3%। 3%, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट जा रहा है, 7%। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास कार्बमिनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, इस बार हीमोग्लोबिन ने क्या बोला, अब मैं O2 की जगह CO2 को पकड़ रहा। ठीक है, इसने CO2 को बनाया और क्या बनाया, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। अभी यहाँ हीमोग्लोबिन को मैं H भी लिख रही हूँ, ठीक है? तो ये बना कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। तो आपकी 20 to 25% जो CO2 थी उसने क्या करा, इसको HB के साथ बाइंड कर लिया। ठीक है, ओके मैम। अब ये कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन कहाँ जाएगा, एल्वियोलाई के पास जाएगा, और इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, ब्रेक डाउन होने की वजह से HB अलग हो जाएगा और CO2 अलग हो जाएगा, और ये CO2 फाइनली क्या हो जाता है, हेक्सेन। क्लियर है सभी को? यस मैम। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना? लास्ट हमारे पास आता है बाइकार्बोनेट आयंस। मैंने आपको कौन से आयंस बताए थे, HCO3 आयंस, सबसे पहले स्टार्टिंग वाली साइड में, CO2 वाले में, कि HCO3 आयंस यहाँ ट्रांसपोर्ट होगी। अब ये HCO3 आयंस बने कैसे, तो देखो अभी जो हमने स्टेट पढ़ा दैट इज CO2 और H2 कंबाइन हुआ और बनाया HTOC। इसके लिए जो हमें एंजाइम रिक्वायर्ड है दैट इज कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, ठीक है? कुछ ये प्लाज्मा में भी होता है, इसलिए ये क्या बना लेता है, कार्बोनिक एसिड। ठीक है गाइस, अब क्या होगा, इस H2CO3 से क्या हो जाएगा, फिर ये फर्दर जाएगा तो इसमें से एक H+ आयंस बाहर निकल जाएगा, और जो दूसरा बनता है दैट इज बाइकार्बोनेट आयन। ठीक है, तो ये बाइकार्बोनेट आयन वापस से कहाँ जाएगा, लंग्स के पास जाएगा, और लंग्स के पास जाके ये CO2 को अलग कर देगा, और इसके पास जो H+ है वो भी अलग हो जाएगा, और वहां पर वो H+ किसी न किसी से बाइंड हो जाएगा या H2O फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, नहीं आया। नहीं समझ में आया? ठीक नो है, क्या हुआ कि जो हमारा CO2 था कहाँ पर था, CO2 टिश्यू में प्रेजेंट था, इस यस कहाँ था हमारा, टिश्यू के पास CO2 ऑलरेडी प्रेजेंट था। ठीक है, इस CO2 ने क्या बोला कि वाटर के साथ मैं जुड़ जाता हूँ,
तो अभी मैंने आपको बताया था कि जब ये वाटर के साथ जुड़ जाता है तो एक कंपाउंड बनता है, दैट इज कार्बोनिक एसिड। इतना बताया था, ये याद है। और इस रिएक्शन को कैटलाइज कौन करेगा? कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ठीक है, जब ये बना हमारे पास कार्बोनिक एसिड, तो इसका क्या हो गया? फर्दर ब्रेकडाउन हो गया। इसने फर्दर ब्रेकडाउन होके क्या बनाया? एक H प्लस आयन को अपने में से रिमूव कर दिया, और जो बाकी बचा हुआ था दैट इज HCO3 माइनस, और इसी का नाम क्या है? हमारा बायकार्बोनेट आयन। तो CO2 ने क्या करा कि वो पहले क्या बन गया? कार्बोनिक एसिड, और फिर उसने ब्रेकडाउन होकर बायकार्बोनेट आयन बना लिया। अब ये बाइकार्बोनेट आयन कहाँ चले जाएगा? लंग्स के एल्वियोलाई के पास, और वहां से वो अपनी CO2 को अलग कर देगा, और बाकी जो हमारा H है वो अलग हो जाएगा। ठीक है? Yes, ma'am. ठीक है? इसमें H plus आयन वही यूज हो जाएगा? नहीं, यूज नहीं हो जाएगा। यहाँ से देखो, इसमें से अगर CO2 बाहर निकल जाएगी तो बचेगा क्या हमारे पास? OH आयन। तो ये जो OH आयन जो H plus हमारे पास लंग्स के पास प्रेजेंट होगा उससे मिल जाएगा, और ये बना लेगा वापस H2O। मतलब ये रिएक्शन एज इट इज ही चलेगी। अगर हम टिश्यू से यहाँ पे जा रहे हो, टिश्यू में आपका ये हो रहा है, पर एल्वियोलाई में क्या होगा? एल्वियोलाई में इसका अपोजिट हो जाएगा। एल्वियोलाई में रिएक्शन यहाँ से यहाँ होगी। अभी क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो क्या बोल रहे थे? हमारा जो मैक्सिमम CO2 का ट्रांसपोर्ट है वो कैसे हो रहा है? मैक्सिमम CO2 किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रही है? बायकार्बोनेट। अराउंड 70%। तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड तीन पार्ट में हुआ, कौन कौन से? एक तो डिसॉल्व वाले पार्ट में, एक दैट इज जब कार्बोनिक एसिड बना था, नेक्स्ट हमारे पास बना था कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, और थर्ड हमारे पास आया बाइकार्बोनेट आयन। तो बाइकार्बोनेट 70% हुआ, और कार्बामिनो हीमोग्लोबिन कितना हुआ था? 25%, और डिसॉल्व वाला 7%। यस मैम। तीनों के परसेंटेज याद रखना, एज वेल एज ये रिएक्शन याद रखना, और यहाँ पर जो हमारा एंजाइम है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कार्बोनिक एनहाइड्रेस को भी याद रखना। ठीक है? यस मैम। यस मैम। तो मैंने आपको ये वाला पॉइंट बता दिया है कि एल्वियोलाई में क्या होगा कि HCO3 क्या होगा? माइनस। ये क्या करेगा? ऐसे जाएगा, फिर ये क्या करेगा? H प्लस जो प्रेजेंट होगा उससे बाइंड हो जाएगा, ये बना लेगा H2CO3। इससे जो फाइनली क्या अलग अलग हो जाएंगे? CO2 अलग हो गया, H2O अलग हो गया, और ये CO2 फाइनली हम क्या कर देते हैं? एक्सेल। क्लियर? यस मैम। अब जो 100 ml ब्लड था ऑक्सीजनेटेड, वो कितना ऑक्सीजन डिलीवर कर रहा था? 5। ऑक्सीजन कितनी डिलीवर करी थी? 5 ml। ठीक है, और CO2 कितनी डिलीवर करता है? ये 4 ml। तो ये 5 और 4 ml दोनों याद रखना। क्लियर? ओके मैम। आगे बढ़े? यस यस। सब लोग रेडी है? यस मैम। यस मैम। तो अभी हमारा फर्स्ट टॉपिक यहाँ पर, हमारी क्लास का फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट बात करनी है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। तो देखो, आपने बहुत नोटिस किया होगा कभी कि अगर आप नॉर्मली तो रेस्पायर करते हो, पर कभी कभी क्या आता है, जैसे आप दौड़ने लग जाते हो तो आपकी जो रेस्पिरेशन का रेट है वो बढ़ जाता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि रेस्पिरेशन का रेट कम हो जाता है। तो ये कम ज्यादा हो कैसे रहा है, वही हम यहाँ पर पढ़ने वाले कि हमारा जो रेस्पिरेशन का रेट है वो रेगुलेट कैसे होगा। होता है ना ऐसा, आप लोगों ने नोटिस नहीं किया क्या? मैम करा है ना, कि अगर आप बहुत तेज दौड़ लगाओगे तो आप जल्दी जल्दी सांस लेने लग जाते हो, है ना? अगर आप सारी सीढ़ियां चढ़ोगे तो जल्दी। तो ये रेट रेगुलेट कौन कर रहा है? ये रेगुलेट करेगा हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट बॉडी का, दैट इज ब्रेन। तो बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज होती है वो कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन। ठीक है, इसलिए ब्रेन हमारे बॉडी का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। तो ब्रेन क्या करेगा? रेगुलेट करता है रेस्पिरेशन को भी, क्योंकि ब्रेन किसका पार्ट होता है? कौन सा सिस्टम का? नर्वस सिस्टम का। नर्वस सिस्टम जब हम डिटेल में पढ़ेंगे ना, तो तब आपको ब्रेन के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा कि कौन सा क्या क्या रेगुलेट करता है। नर्वस सिस्टम में हमारे पास ब्रेन है, जो ब्रेन मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है।
अभी ठीक है। और नो मैम, ठीक है, समझ नहीं हो रही है ब्रेक। आ रही। एक सेकंड ना। अभी क्लियर आ रही है एकदम वॉइस प्रॉपर? यस इट मैम। ब्रेकिंग? अभी क्लियर है ना? ठीक है, तो हम क्या कर रहे थे कि हमारा जो रेस्पिरेशन है उसको रेगुलेट करता है, और हमारी बॉडी जो नर्वस सिस्टम है वो हर चीज को रेगुलेट करता है। नर्वस सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ब्रेन। तो ब्रेन में क्या होते हैं, कुछ सेंटर्स होते हैं जो क्या करते हैं, रेगुलेट करेंगे रेस्पिरेशन को। वॉइस इशू स्टिल देयर? अभी यस भी वॉइस पे इशू आ रहा है? नो मैम। अच्छा, थोड़ा सा मैनेज कर लूँ ना, क्योंकि मैंने अपने दोनों ट्राई कर लिए। अगर कहीं कुछ क्लियर नहीं हो रहा है तो स्टम्प को फिर से रिपीट कर दी। ठीक है, आवाज यस मैम। ठीक है? ये आपको लगेगा बोला मैम, प्लीज फिर से बता दो। ठीक है, आई डोंट नो कि वैसा है, मैंने अपने दोनों नेटवर्क्स को देख लिया, बट स्टिल द सेम इशू इज आसिंग। ठीक है, तो देखो ब्रेन में कुछ सेंटर्स होते हैं जो क्या करते हैं, रेस्पिरेशन को रेगुलेट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास तीन मेन सेंटर्स होते हैं जो क्या करते हैं, इसको रेगुलेट करते हैं। ठीक है, तो अब हम तीनों को पढ़ने वाला होता है। पहला हमारा होता है मेड्यूला ओब्लोंगाटा में। अब ये मेड्यूला ओब्लोंगाटा बड़ा अजीब सा वर्ड लग रहा है आपको, पर ब्रेन का एक पार्ट है जिसका नाम है मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो फर्स्ट रेस्पिरेटरी सेंटर का है हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा है। फिर हमारा एक रीजन आता है हाइंड ब्रेन में, दैट इज पोन्स। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट आता है थर्ड, कीमो सेंसिटिव एरिया। ये एक एरिया होता है जो सर्टेन केमिकल्स से क्या कर देगा, सेंसिटिव हो जाएगा। जैसे आपकी बॉडी होती है तो सेंसिटिव होती है ना किसी चीजों से, जैसे आप गर्म को छुओगे तो वो कुछ अलग टाइप से रिएक्ट करने लगे। इसलिए ब्रेन के पास भी एक ऐसा एरिया है जहां पर कुछ सर्टेन केमिकल्स आएंगे तो वो क्या कर देगा, रिएक्ट करने लग जाएगा। तो अब जो आपका ये रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, ये कौन डिसाइड करेंगे, आपके सेंटर्स जो ब्रेन में प्रेजेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास आता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर्स। ये मेन सेंटर्स होते हैं और ये कहाँ प्रेजेंट होगा, मैंने आपको अजीब सा नाम बताया था, याद है किसी को? मेड्यूला ओब्लोंगाटा। ठीक है, नेक्स्ट बताया था मैंने आपको कि हाइंड ब्रेन के एक पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, कौन से थे वो, कहाँ पर प्रेजेंट है, पोन्स में। ठीक है, लास्ट हमारे पास आता है कीमो सेंसिटिव एरिया। ये एरिया क्या होता है, एडजेसेंट टू, मतलब पास में, किसके पास में, एक सेकेंड मेरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, एडजेसेंट टू आपका फर्स्ट वाला, दैट इज यहाँ रिदम सेंटर्स के पास। ठीक है, तो इन तीनों सेंटर्स को फटाफट हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले पास हमारे पास आता है रिदम सेंटर्स, जो कहाँ पे है हमारा, रेस्पिरेटरी से मेड्यूला ओब्लोंगाटा। तो ये जो आपका इंस्पिरेशन का और एक्सपिरेशन का दोनों को कंट्रोल करेंगे, दैट इज आई और ई बोथ कंट्रोल्ड, कि बढ़ाना है घटाना है ये डिसाइड कौन करेगा, रिदम सेंटर, जो दोनों को करेगा कि इंस्पिरेशन को बढ़ाना है या घटाना है, या एक्सपिरेशन को बढ़ाना है या घटाना है। ठीक है, ओके मैम। जस्ट अ सेकंड। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है, नेक्स्ट आता है न्यूमोटेक्सिक सेंटर। आप इसको याद कैसे रखोगे, पी से पी याद रखना। ठीक है, न्यूमोटेक्सिक और पोन्स। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर ये याद हो गया। अब ये क्या करेगा, सिर्फ इंस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, आई कंट्रोल्ड और रेगुलेटेड। तो पोन्स वाला रीजन किसको रेगुलेट कर रहा है, ओनली इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन में होगा क्या कि ये क्या करवाएगा, डीप इंस्पिरेशन, मतलब आप ब्रीथ तो ले रहे हो पर बहुत डीप ले रहे हो, बहुत अंदर तक एयर आपकी जाना चाहिए। तो ये क्या करेगा, आपकी इंस्पिरेशन को क्या करेगा कि इंस्पिरेशन तो हो रहा है पर
और उसमें क्या हुआ, ड्यूरेशन को ये क्या करेगा, रेगुलेट करेगा। ठीक है गाइस, आवाज आ रही है? यस मैम। नेक्स्ट हमारे पास, हाँ मैम, रिड्यूस भी करेगा वो, क्या करेगा मैम, रिड्यूस ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन। मतलब इंस्पिरेशन तो क्या होगा, मतलब एकदम बहुत बहुत सारी नहीं लेंगे। अब एक बार में अगर 10 सांस ले रहे हो तो क्या कर देगा, 5 सांस लेने का बोलेगा। पर 5 जो आप सही सांस ले रहे हो वो कहाँ जाएगी, बहुत डीप जाएगी। ठीक है, इसने इंस्पिरेशन के रेट को तो डिक्रीज करा, पर जो उसकी डेप्थ ऑफ इंस्पिरेशन थी उसको इसने क्या करा, इंक्रीज करा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है कीमो सेंसिटिव एरिया। तो ये एरिया किसके पास प्रेजेंट होता है, रिदम सेंटर। तो रिदम सेंटर किसके पास है बताओ, रिदम सेंटर कहाँ लोकेटेड है ब्रेन के किस पार्ट में? मेड्यूला ऑब्लोंगाटा। अब तक तो ये नाम याद हो गया होगा ना, 3 बार आ गया शायद, तो है ना। तो एरिया नियर बाय टू रेगुलेटर, अगर सपोज ये करो एरिया है, ठीक है। अब इस एरिया क्या है, कुछ सर्टेन केमिकल से सेंसिटिव है। अब यहाँ पर केमिकल्स क्या है, मेनली CO2 का कॉन्सेंट्रेशन और होता है H+ ions का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब ये कि इस एरिया क्या करेगा, अगर यहाँ पर CO2 और H+ ions क्या हो गए, बहुत ज्यादा 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 गए, तो ये डिटेक्ट करेगा कि ये CO2 बहुत ज्यादा है, तो ये फिर किसको सेंटर भेजेगा, रिदम सेंटर को। ये रिदम सेंटर को क्या बोलेगा कि ये जो आपका CO2 बहुत ज्यादा बढ़ गया है, H+ ions बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, इसलिए आप क्या करो कि इस CO2 को आप फटाफट बाहर निकालो। तो ये क्या बोलेगा रिदम सेंटर को कि फटाफट एक्सपिरेशन को, अपना एक्सपिरेशन को इंक्रीज करो। समझे क्या काम है, ये इनडायरेक्टली कंट्रोल करेगा। देखो कुछ एरिया है वहां पर मैं अगर CO2 और H+ ions का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाती जाती हूँ तो वो डिटेक्ट कर लेगा कि हमारी बॉडी में CO2 बहुत ज्यादा हो रहा है। तो फिर वो क्या बोलेगा, ये जो एरिया है वो किसके पास जाएगा, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा के पास। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा के पास जाके बोलेगा कि CO2 बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो आप इसको कम करो। तो बॉडी कम कैसे करेगी, उसके अपने बॉडी से एलिमिनेट करेगी ना CO2 को। तो एलिमिनेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सपिरेशन, और फटाफट एक्सपिरेशन, दैट मीन्स एक्सपिरेशन को क्या करेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, ताकि अगर एक्सेस CO2 हमारी बॉडी में है वो क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. अब ये हमारा कीमोसेंसिटिव एरिया, एक तो यहाँ पर मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में। अब हमारे पास दो और आते हैं, एरोटिड आर्ट और कैरोटिड आर्टरी। ये जो कैरोटिड आर्टरी है वो कहाँ है हमारी, जब हम ये सर्कुलेशन पढ़ेंगे ना तब आपको ये और क्लियर होगा। कैरोटिड आर्टरी क्या करती है कि ये क्या करती है, जो हेड के ब्लड वेसल्स होती है ना, मेन आर्टरी जो हेड को अप्लाई करती है, हेड से ब्रेन को, हेड को वो ब्लड सप्लाई करेगी, और फेस में, ये दो मेन आर्टरीज होती है, एक फेस में प्रेजेंट होगी, हेड में प्रेजेंट होगी, और ये ब्रेन को क्या करेगी, ब्लड सप्लाई करती है। ठीक है, तो ये भी क्या डिटेक्ट कर लेगी, CO2 और H+ के कंसेंट्रेशन को। तो ये भी क्या बोल देगी, कीमोसेंसिटिव एरिया हो गए, ब्लड टू ब्रेन। ठीक है, सेम हमारा आता है एरोटिक आर्क, जो एक पार्ट होता है ऑर्टा का। ठीक है, ये भी आपको हार्ट से पता चलेगा, जब आर्टरीज और वेन्स और आप डिटेल में पढ़ोगे ना वहां पे प्रेजेंट होगा। तो एरोटिक ऑर्टा का एक पार्ट होता है एरोटिक आर्क, जो वापस कहा, हेड वाले रीजन से ब्रेन को ब्लड सप्लाई करता है। तो ये वाला जो है आपका, ये एरियाज जो होते हैं वो CO2 और H+ ions के कॉन्सेंट्रेशन को डिटेक्ट करके सिग्नल भेजेंगे। ठीक है, लास्ट पार्ट चैप्टर का डिस्कस कर ले, अब चैप्टर खत्म होने वाला है। ठीक है, अब हमारे पास रेस्पिरेशन से रिलेटेड, देखो रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम काम कर रहा है, अगर इसमें कुछ भी परेशानी आएगी तो क्या वो उसकी डिसीज हो जाएगी, या उसकी माल फंक्शनिंग हो जाएगी, क्या उसमें खराबी आ जाएगी? यस मैम। तो वो खराबी आती क्यों है, क्यों वजह से, अगर किसी भी पार्ट में अगर डैमेज हुआ तो उसमें खराबी आ जाएगी। तो अभी हमने क्या बोला है कि पार्ट्स के वाइज हमने ना कुछ डिसऑर्डर्स डिटेक्ट करे हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम्स में जो मेन प्रॉब्लम्स आती है वो क्या आती है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है अस्थमा। अस्थमा तो आप लोगों ने सुना ही होगा। यस मैम। तो ये अस्थमा होता क्या है, ये जो आपके लंग्स है, ट्रैकिया से क्या बनते हैं आपके ब्रोंकाई ब्रोंकियोल्स। ठीक है, जब आपके ब्रोंकाइल और ब्रोंकियोल्स ये सब अफेक्ट हो जाएंगे तो
उसकी वजह से क्या होगा कि अगर आपके ब्रोंकाई और ब्रोंकल्स अफेक्ट है तो जो आपका एयर का कंडक्शन है उसमें अफेक्ट करेगा, तो इसकी वजह से क्या होता है कि एयर कंडक्शन प्रॉपर नहीं होता है, उसकी वजह से होता है डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास आता है एम्फाइसीमा। अब ब्रोंकाई ब्रोंकल्स के पास हमारे पास सबसे लास्ट में क्या आता है, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई क्या होते हैं, प्राइमरी साइट फॉर गैसियस एक्सचेंज, इतना तो सबको पता है ना। तो जब एल्वियोलाई की वॉल्स खत्म होगी, दैट मींस अगर एल्वियोलाई है तो ये यहाँ पर इतने सारे एल्वियोलाई थे, एल्वियोलाई का अगर नंबर कम हो गया, ठीक है, ये एल्वियोलाई सारे डैमेज होके क्या हो गए, खत्म हो गए। अगर ये खत्म हो तो जितनी एयर हम पहले लेके इसको इनहेल करके जितना ट्रांसपोर्ट करवा रहे थे वो ट्रांसपोर्ट अब कम हो जाएगा क्या, ओके नीतू? हो जाएगा मैम, है ना। तो ये क्या करता है, सरफेस एरिया को डिक्रीज कर देता है। हमने एक फोर्थ फैक्टर पढ़ा था सरफेस एरिया वाला, अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी ज्यादा होगा। अगर सरफेस एरिया डिक्रीज हो गया तो एक्सचेंज भी क्या होगा, आपका रिड्यूस हो जाएगा, और इस वाली कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एम्फाइसीमा। ठीक है, Yes, अब लास्ट आता है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। देखो बहुत सारे वर्कर्स होते हैं जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं, अब फैक्ट्रीज में बहुत धुआं निकलता है और धुएं में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, ठीक है। तो अगर हम ऐसा धुआं या डस्ट को इनहेल करते हैं, अगर ये सारी हम गंदी चीजों को अपनी बॉडी में ले लेंगे तो वो गंदी चीजें क्या करेगी, हमारी बॉडी के जो अंदर के ऑर्गन्स है, सेल्स है, उनको डैमेज करने लग जाएगी, ठीक है। तो ये होता है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में, सर्टन वर्कर्स जो अपना काम करते करते अगर ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहां पर एयर प्योर नहीं है, ठीक है, यहाँ पर एयर है प्योर नहीं है, तो एयर के इम्प्योर होने की वजह से कुछ इम्प्योरिटी हमारी बॉडी ले लेती है और उसकी वजह से हमारा रेस्पिरेटरी खराब सिस्टम खराब हो जाता है, ठीक है। डस्ट होगी, केमिकल होगी, ये सब बॉडी क्या कर पाएगी, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी और उसकी वजह से क्या होगा, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम खराब हो जाएगा। अगर बहुत ज्यादा ये चलता रहा तो क्या होगा आपका कि जो टिश्यूज या वॉल से जो आपके लंग्स है उसकी ही वॉल डैमेज होने लग जाएगी। अगर इसके लंग्स ही खराब हो गए तो इंसान ही जिंदा नहीं हो पाएगा ना, है ना। Yes, ma'am. तो अल्टीमेटली इसका सॉल्यूशन ये है कि अगर कोई ऐसी जगह पे काम कर रहा है तो प्रॉपर सेफ्टी प्रिकॉशन ले, दैट मींस वो प्रॉपर कॉस्ट्यूम पहने, प्रॉपर प्रोटेक्टिव मास्क पहने, ताकि जो एयर जाए उसके अंदर वो फिल्टर होके जाए, ठीक है, इम्प्योरिटीज बाहर में ही रह जाए और अंदर जो जाए वो फिल्टर एयर जाए, जिस वजह से ये डिसीज ना हो, ठीक है। Yes, ma'am. ठीक है, सो दैट्स इट फॉर द डे टुडे। हमारा क्लास ओवर हो चुका है, हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज कि आपको ये जो सारा हमने पढ़ा है पूरा चैप्टर रिवाइज करके आना है। नेक्स्ट क्लास में आई विल बी आस्किंग क्वेश्चंस रिगार्डिंग टू द पर्टिकुलर चैप्टर। इस चैप्टर में जितने भी मैंने पढ़ाया है, आशी मैम ने पढ़ाया है, हम पूरा करेंगे, ठीक है। yes. ठीक है, क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, क्योंकि मेरी बस 6 बजे दूसरी क्लास है, इसलिए आई एम नॉट हैविंग मच टाइम, तो इसलिए हम आपके क्वेश्चंस ले लेंगे ताकि आपको पढ़ने का टाइम भी मिल जाए। आप अच्छे से पढ़ोगे तो क्या होगा कि आपका अच्छे से मतलब इवेल्युएट भी कर पाऊंगी। अभी के अभी तो मैं आपसे पूछूंगी तो आना नहीं आएगा, जब आप 2-3 बार रिवाइज करोगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। यस मैम, नेक्स्ट क्लास में बी प्रिपेयर्ड फॉर द क्वेश्चन, आई विल बी आस्किंग क्वेश्चन, तो मुझे पता चल जाएगा कि किसको कितना आ रहा है, ठीक है गाइस। Yes. Yes. Thank you, everyone. Bye bye. Please study well and revise everything.